सो गाइस, अगर आप भी इस तरीके का लॉन्ग स्लीव वाला गाउन बनाना चाहते हैं या फिर इस तरीके का ड्रेस बनाना चाहते हैं, श्रग स्टाइल वाला, जिसे का लुक अनारकली की तरह है, लेकिन आपको कुछ नए लुक में बनाना है, जैसे कि मैंने बनाया, इसे डबल तरीके से यूज़ कर सकते हैं, नॉर्मल डे में भी यूज़ कर सकते हैं, पार्टी में जाना हो तो इसे श्रग की तरह पहन सकते हैं, जो मैंने अनारकली ड्रेस की तरह बनाया है। और इसमें कितना फैब्रिक लगेगा, A to Z मैंने इसको पूरे डिटेल में वीडियो बनाई है, स्टेप बाय स्टेप बताएंगे और बहुत ही इजी तरीके से बताएंगे, ताकि अगर आपको ड्रेस बनानी नॉर्मल ड्रेस भी आती है तो आप इस तरीके का ड्रेस बना सकते हैं। इसमें कितना फैब्रिक लगेगा और मैंने कि इस स्लीव में को कैसे बनाया है, इसे मैंने कैसे अटैच किया है, ओपन ड्रेस को खुला हुआ इतना घेरदार मैंने बनाया है। सो गाइज, इसे देखने के बाद आप ज़रूर सोचेंगे कि हम इस तरीके का ड्रेस बना लें, जो कि पहनने में अच्छा लगेगा ही लगेगा, आप पे कमेंट अलग आएगी। सो गाइज, ये आपका अलग ही ड्रेस लगेगा। देखिए ये इसकी घेर, आप देखिए, अगर आपको पसंद ना आए तो आप सब ये वीडियो को अवॉइड कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं यहीं से, ये वीडियो आपके लिए नहीं है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस प्लीज़ मेरे हुमा फैशन क्रिएशन को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा के ऑल के ऑप्शन पर क्लिक कर लें, ताकि इसी तरीके की और भी ट्रेंडिंग वीडियो देखने को मिल सके। सो गाइस, चलिए वीडियो को स्टार्ट कर सकते हैं। और एक देखिए, ये हमारा सीक्वेंस कैरी कैरी में लगा हुआ है और ये हमारा नॉर्मल गाउन जो हमने बनाया है वो है। ये हमारा 3 मीटर अस्तर का कपड़ा है, जैसे गाउन का कपड़ा है, और ये हमारा नेट है 5 मीटर है, जिसे मैंने अपना वो बनाया है, नीचे श्रग ऊपर वाला हिस्सा बनाया है, इसे बॉर्डर टाइप मैंने लिया था और छोटी छोटी बूटी थी। देखिए आप सबको दिख ही रहा होगा, ये हमारा फैब्रिक नेट वाला 5 मीटर था और 2 मीटर मैंने अलग से फैब्रिक लिया हुआ था, जिसकी हम लॉन्ग स्लीव बनाएंगे और पेटी में यूज़ करेंगे। चलिए इस तरीके से मैंने अपने, देखिए इस तरीके से मैंने अपनी कली को, कली कहाँ काटेंगे तो इसको हम इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे, बॉर्डर को नहीं काटेंगे। और हमारी लंबाई कितनी है वो भी बता देते हैं, 40 इंच की हमने इसकी लंबाई रखी है। गाउन की लंबाई हमारी 40 इंच नहीं है, बस इसके घेर की लंबाई हमारी 40 इंच है। इसके बाद हम 15 इंच की पेटी भी रखेंगे। देखिए इसकी चौड़ाई आपको पता है 10 इंच थी, और इसके ठीक बीच में मैंने 5 इंच पर एक निशान बनाया, फिर उसी 5 इंच के साइड साइड से मैंने 2-2 इंच पे एक मार्क बना लिया था। उसको हम तिरछा इस तरीके से गन कट स्केल लेंगे और तिरछा हम इस तरीके से रखेंगे, और नीचे के बॉर्डर को छोड़कर हम इस तरीके से ड्रॉ कर लेंगे। देखिए हमने ड्रॉ कर लिया है, जो हमने 2 इंच पे निशान बनाया था वहाँ पे हम मिला देंगे, और सेम इसी तरीके से हम इधर भी करेंगे। अगर आपको इसका फैब्रिक बढ़ाना है, जैसे कि आपको और भी ज़्यादा घेर में चाहिए, तो इस कली को और भी पतला, जैसे मैंने 2-2 इंच रखा है, तो आपका ज़्यादा कपड़ा है तो आप 1-1 इंच भी रख सकते हैं, कोई मसले की बात नहीं है। और देखिए हम अब इसको कटिंग करेंगे। और हाँ, अगर आपका फैब्रिक थोड़ा कम है तो भी आप ये ड्रेस बना सकते हैं, ये ड्रेस 3 मीटर में भी इसका बन सकता है, जैसे मैंने ये कटिंग 5 मीटर में कर रहे हैं, तो आप 3 मीटर में भी कर सकते हैं, बस कली की चौड़ाई थोड़ी आपको बढ़ा देनी है। देखिए हमने कली को इस तरीके से खोल लिया है, और दोनों कली को कली के ऊपर हम रखेंगे, और इस तरीके से हम सिलाई कर देंगे, बॉर्डर जहाँ तक हमारी कटिंग है बस उसको हम सिलाई कर देंगे। अब हम नॉर्मल गाउन की कटिंग देख लेते हैं, जिसे हमने बहुत ही अच्छा बनाया है। मुझे तो लगता है कि ऐसा ड्रेस हर किसी को बनाना चाहिए, क्योंकि पार्टी वेयर ड्रेस हम ज़्यादा यूज़ नहीं कर पाते हैं, तो आप इस तरीके से वेयर कर पाएंगे, बनाएंगे तो आप 101% इसे यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने अपने डबल कपड़े को इस तरीके से फोल्ड कर लिया था, और 50 इंच पर इस तरीके से रख रख कर हम निशान बना लेंगे स्केल से, अपने इंची टेप से। तो इस तरीके से निशान बना लीजिए 50-50 इंच पे, थोड़ी थोड़ी दूर पर, और उसको पूरा निशान गोल करके इस तरीके से आप कट कर लीजिए। नीचे देखिए हमें थोड़ा सा कपड़ा कम आ रहा था 2 कपड़े में, तो हमने कली इसकी काट ली थी, इसको हम वहीं पे अटैच कर देंगे, कोई मसले की बात नहीं है, जोड़ आ भी जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, वो बैठ जाएगा और बहुत अच्छे से लग जाएगा। अब ऊपर हम कमर अपना काट लेते हैं, जिसे हमने 10 इंच पर इस तरीके से रख रख कर निशान बनाया और इसको कट कर लिया।
अब हमने पेटी को कट कर लेना है। डबल इस कपड़े को हमने लिया, इस तरीके से फोल्ड किया और इस तरीके से मैंने 15 इंच पर निशान बनाएंगे। पहले हमारी लंबाई 15 इंच रहेगी पेटी की, तो हमने इस तरीके से निशान बनाया। फिर उसमें हमने सीधा निशान कर लिया और शोल्डर पे हमने 7 इंच पर निशान बनाया। बाजू को भी हमने 7 इंच का ही रखा है 9, और चेस्ट की चौड़ाई हमने 9 इंच रखी है और नीचे हमने 8.3 इंच पे हमने निशान बनाया था और 2 इंच ऊपर से और 3 इंच की गहराई। इस तरीके से मैंने गले की भी ले ली है। लेकिन हाँ, आप चौड़ाई और लंबाई आप अपने फिटिंग अपने हिसाब से रखिए। मैंने ये अपने लिए बनाया तो अपनी फिटिंग बताई है और इस तरीके से आप कट कर लीजिए। देखिए ये हमारा गाउन हो गया है और अपना जो फ्रंट का हिस्सा है उसका हम गला थोड़ा सा बड़ा कर लिए थे 1/2 इंच, तो हमारा ये कट हो गया है। अब देखिए हमने अपने नेट के कपड़े को, जो 2 मीटर के कपड़े को हमने लिया था, तो उसको हमने इस तरीके से रखा और इसको हमने फोल्ड किया जितनी हमारी पेटी थी नॉर्मल गाउन की जो हमने कट की है उतना ही हमने इसको भी रख के कट कर लेना है। तो हमारा बॉर्डर छोटा है तो हम क्या करेंगे आप सब देखिए, इसको हम बहुत ही जुगाड़ से बनाएंगे ताकि हमारे पूरे पेटी पे ये डिज़ाइन आए। हमें प्लेन बिल्कुल नहीं चाहिए। तो क्या करेंगे हम, पहले कपड़े को इस तरीके से अपने रखेंगे और नीचे बॉर्डर भी आना चाहिए। तो मैंने पहले दोनों कपड़े को इस तरीके से सीक्वेंस वाले मेन फैब्रिक को रखा और अपने पेटी को रखा, तो ऊपर से थोड़ा सा ही कम आ रहा था तो हमने एक और भी अपने कपड़े को लिया जो कि ये फ्लावर वाला था। तो हमने यहाँ का हिस्सा यहाँ पे रख कर इस तरीके से कट कर लेना है। तो हमें थोड़ा सा जोड़ लगाना पड़ेगा बट कोई दिक्कत नहीं है, जो जोड़ दिखेगा नहीं अस्तर में छुप जाएगा। जो हमने नेट काटा है उसका हमने एक और अस्तर कट कर लेना है, इसमें हम अस्तर लगाएंगे अभी आपको बताएंगे। इस पर इस तरीके से रखेंगे और हम एक सिलाई लगा कर इसको खोल देंगे और हमारा ये पेटी रेडी हो जाएगा जो बिना जोड़ का दिखेगा। जोड़ आपका दिखेगा नहीं, हम आपको दिखा देंगे। अब हमने जो हमारा बचा हुआ 2 मीटर का हिस्सा था प्लेन वाला जो बचा, हमने मेन बॉर्डर को तो निकाल लिया था, जिसका हमने तिरछा इस तरीके से एक कोने को दूसरे कोने पे मिलाया। स्लिप की लंबाई 41 थी तो हमने 8 इंच का इस तरीके से अपने मोहरे का निशान बनाया और इसको हमने इस तरीके से ड्रॉ कर लिया जैसे हमने अपने स्लिप का मोहरे को कट करते हैं उसी तरीके से हम कट कर लेंगे। और इस तरीके से कट करने के बाद जो हमारा एक्स्ट्रा बचा हुआ नेट लटक रहा था उसको हम इस तरीके से थोड़ा सा गहराई करते हुए हमने कोने तक मिला देना है। तो हमारा देखिए कोनेदार स्लिप रेडी हुआ है। तो लगभग मेरी सारी कटिंग हो चुकी है। चलिए अब वीडियो को हमने कैसे बनाना है दिखाया है, जो ड्रेस को कैसे हम इस ड्रेस को बनाएंगे वो आपको दिखाएंगे। वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करें और पहले तो हमने इस कली को जोड़ लेना है। देखिए हमने जोड़ लिया है, बहुत ही इजीली हम आपको बताएंगे जिसे आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगी। इस ड्रेस की कटिंग मैंने बता दिया, अब स्टिचिंग बताएंगे। तो हमने अपने पेटी को जो प्लेन वाले कट किया था, पहले हम प्लेन गाउन को रेडी करेंगे और ये अपने हमने गले में 1.5 इंच की पट्टी को इस तरीके से लेंगे और इस तरीके से सिलाई कर देंगे। तो दोनों पेटी के गले में हमने 1.5 इंच की पट्टी को इस तरीके से लगा लेंगे। देखिए इस तरीके से रखेंगे और सिलाई कर देंगे। इतना मैंने सिलाई कर लिया है, अब इसको हमने दोनों कपड़े पेटी के कपड़े को हम दिखाएंगे। देखिए दोनों को हमने रख लिया है और इस पर स्टिचिंग कर दिया है। तो हमने दोनों के शोल्डर को इस तरीके से जॉइंट करना है। देखिए हम जैसे बता रहे हैं इस ऐसे बनाने से आपका जो भी ऊपर धागा निकलने लगता है गले में वो बिल्कुल भी नहीं निकलेगा। और इस तरीके से हमने अपने पेटी को खोल लेना है जॉइंट करने के बाद। अब इसको हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे और डबल ऐसे करके हम स्टिच कर लेंगे। दूर से हम थोड़ा सा स्टिच करेंगे जो हमने पूरे गले पे पाइपिंग लगाई है। तो देखिए हमारा कुछ इस तरीके का रेडी हो गया है। ये बिल्कुल बहुत ही अच्छा और फिनिशिंग के साथ ये गला रेडी होता है और इसे आप ज़रूर ट्राई करिए। और हमने देखिए ये फ्लावर जो छोटा छोटा है फ्लावर
बड़ा वाला, जो हम उसको सारे फ्लावर को कट करेंगे और इसमें हम कुछ डिज़ाइन गले बना पर बनाएंगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा प्लेन लग रहा था तो हमने पत्ती एक लगी हुई थी फ्लावर्स को कट कर लिया है। तो इसी तरीके से हम सारे फ्लावर्स को कट करेंगे। चलिए हमने कट कर लिया, अब इस पर एक एक रखेंगे और इस तरीके से सेट कर लेंगे सारे पूरे गले पे, ताकि ये जो गले पे इतना प्लेन था तो हमारे सिरक से कुछ मैचिंग डिज़ाइन बन जाएगी। तो इसको हमने सिलाई कर लेना है, तो हमने सिलाई कर लिया है, स्टिच कर लिया है पूरा, या धागे से आप टाका लगा सकते हैं। तो हमने इस तरीके से कर लिया है और अपने बाजू में जो हमने 1.5 इंच की पट्टी 2 इंच की लेनी है और इस तरीके से फोल्ड करके जैसे हमने गले में लगाई थी उसी तरीके से हम दोनों मोहरे में लगा लेंगे। तो हमने लगा लिया है, देखिए इतना अच्छा हो गया है, एकदम प्रॉपर में हमारा रेडी हो गया है। साइड साइड में जितना हमने मार्जिन छोड़ा था उसको भी हम सिलाई कर लिए थे। और इस तरीके से मैंने अपने पेटी को ओपन किया, फ्रंट के हिस्से में खोला और जो हमने अपना जो हमने गाउन को जो ये कट किया था नीचे का घेर, तो उसको हमने एक सिलाई किया और इसको हम इस तरीके से ज्वाइंट कर देंगे। देखिए हमारा ये हिस्सा ज्वाइंट हो गया है, जिसे हमने और नीचे के तरफ एक लैलून वाली पट्टी आती है उसको हम इस तरीके से रखेंगे और इस तरीके से हम फोल्ड कर लेंगे। देखिए इस तरीके से हम फोल्ड करेंगे और एक सिलाई ऊपर के साइड लगा देंगे। ये लगाना बहुत ही आसान है, देखिए हमने लगा लिया और ये हमारा गाउन रेडी हो गया। प्लेन गाउन तो हमारा रेडी हो गया है, देखिए हमारा रेडी हो गया है। अब हम कलियां को अपने कैसे स्टिच करेंगे ये हम आपको कायदे से बता देते हैं, मतलब कि अच्छे से बता देते हैं ताकि आप सबको बनाने में कोई दिक्कत ना हो। तो हमने जो कली को कट किया था उसको हम रखेंगे और एक पर एक रखेंगे और स्टिच करते जाएंगे। जितनी हमने कटिंग की थी उस कपड़े को हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे, दूसरे कली पर रखेंगे और स्टिच कर देंगे। देखिए दोनों कली को हम मिला लेंगे और एक यहाँ बॉर्डर पे सिलाई नहीं करेंगे। तो हमने सारी कलियाँ इसी तरीके से जोड़ ली थी, लगा ली थी। सो गाइस आप भी इसी तरीके से सारी कलियाँ लगा लीजिए और वीडियो को यहाँ पे छोड़ के मत जाइए, ताकि आपको आगे जो मेन हमारी डिज़ाइन बताएंगे वो आप सब नहीं देख पाएंगे। जो हमने साइड साइड में जो कली नहीं जोड़ी तो उसको हमने इस तरीके से फोल्ड करना और सिलाई करने के बाद फोल्ड करके ये हमने गोटे को लगा लेना है दोनों तरफ। इस साइड भी हमने इस तरीके से पहले नेट को अपने फोल्ड करेंगे और इसको हम इस तरीके से स्टिच कर लेंगे। फिर इस पे हमने सीधे के साइड में गोटे को रखेंगे और स्टिच कर देंगे, जो कि हमारे कढ़ाई में मैचिंग हमने कुछ लगाया है। तो मैंने सोचा कि 0 साइज़ का है तो डबल लगा देते हैं। तो अब हमने गले को देख लेते हैं, हमने 2 इंच पर इस तरीके से निशान बनाया और इस तरीके से छोटा सा गला एकदम कट कर लिया है। देखिए हमारा जोड़ कहीं नहीं दिख रहा है। और अब इस तरीके से गले के साइड से हम 10 इंच पर निशान बनाएंगे और 4 इंच नीचे का हम छोड़ देंगे। अगर आप में बॉर्डर नहीं है तो आप 4 इंच का छोड़ सकते हैं और 6 इंच पर इस तरीके से 10 इंच पर निशान लगा के इस तरीके से गले के साइड में तिरछा लगा लीजिए। जैसे हम बना रहे हैं सेम इसी तरीके से रिपीट करिए और जो हमने निशान बनाया है तो इसको हमने थोड़ा सा गोल कर लेना और इस तरीके से हमने थोड़ा सा निशान गोल साइड में बना लिया था। देखिए इस तरीके से मैंने कट कर लिया है, बिल्कुल इसी तरीके से आप भी कट कर लीजिए। देखिए ये गला भी कट करना बहुत इजी है। अगर आप इस तरीके से मेन फैब्रिक पे नहीं कर सकते तो आप पहले आप कागज़ वगैरह पे पेपर वगैरह पे कर सकते हैं। तो हमने फोल्ड किया और यहाँ पे हमने बीच में एक कट लगा लिया जो हमने 4 इंच का छोड़ा है। तो इस तरीके से इसको मिलाएंगे और दो उसी साइज से हमने अस्तर को भी कट कर लिया था, इस पे रखेंगे और इस तरीके से सिलाई कर देंगे। इस तरीके से दोनों साइड का हम सिलाई कर लेंगे। सो गाइज हमने सिलाई कर लिया है और यहाँ पे हम एक एक कट लगा लेंगे और पूरे गले में हमने कट लगा लेना है, ताकि हमें कपड़े को सीधे करने में कोई दिक्कत ना हो और ये एकदम इजीली हो जाए। ये कट लगाना आप नहीं भूलिए, ताकि कोई भी गले में बिना कट लगाए
नहीं हो पाता है। तो इसको अब हम सीधा करके आपको दिखा देते हैं। अभी देखिए, इसलिए हमने एक सीधा किया, अब दूसरे को हम सीधा कर रहे हैं, दोनों हमारा सीधा। अब हम बैक के हिस्से को रखेंगे और इसमें भी हमने जोड़ लगाया था, देख सकते हैं आपने, मैं जोड़ दिख रहा है। और उस गले के और ये हमने अस्तर जो कट किया था, इस गले को रख के एक सिलाई कर लेंगे और इसको भी इसी तरीके से सीधा कर लेंगे कट लगा कर। देखिए हमारा बैक का गला भी रेडी हो गया है। ये गला भी बनाना बहुत ईजी है। अब फ्रंट के हिस्से के हमने बैक तरीके से इस तरीके से उल्टा रखेंगे और इस तरीके से अब हम गले को इस तरीके से स्टिच कर और इसको अब हम फोल्ड करके दोनों इस तरीके से हम ज्वाइंट कर देंगे। कैसे नहीं समझ में आया तो इसको हम खोल के एक बार दिखा देते हैं। नेट के मेन फैब्रिक पे रखेंगे और वो अस्तर वाले कपड़े को ऊपर घुमाकर लाएंगे और स्टिच कर देंगे बिल्कुल इस तरीके से। देखिए ये भी सिलना बहुत ही ईजी है, अगर आप सिलेंगे तो बहुत ही इजी तरीके से सिला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आपको कोई भी दिक्कत या मसले की बात है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं और प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा अगर ये मेरी डिज़ाइन पसंद आएगी। तो देखिए हमारा कुछ इस तरीके का रेडी हो गया है। अब हमने स्लिप को जो हमने अटैच करेंगे, लॉन्ग स्लीव हमने इसको लगाया है, बनाया है लॉन्ग स्लीव वाला, तो हमने इस तरीके से रखना है और एक सिलाई कर देना है। सेम इसी तरीके से हम नॉर्मल स्लिप की तरह इसको भी हम अटैच कर लेंगे। देखिए हमने दोनों तरफ अटैच कर लिया है तो हमारा लगभग रेडी हो गया है। अब हमने इस तरीके से फोल्ड करना है, जो हमारा मार्जिन था उस पर हम एक सिलाई कर लेंगे ताकि हमारा जो मार्जिन छूटा हुआ है नेट के ऊपर से ना दिखे। दोनों तरफ इस तरीके से कपड़े को जो हमारा मार्जिंग है उसको हम इस तरीके से स्टिच कर लेंगे तो देखिए हमारा बिल्कुल ऊपर की तरफ नहीं दिखेगा और स्टिच हो जाएगा। दोनों तरफ हमने स्टिच कर लिया है। अब हमने साइड साइड जितना मार्जिंग छोड़ा है तो उसको हम एक एक इंच इस तरीके से सिलाई कर लेंगे। देखिए इसको अब रखेंगे, मार्जिंग उल्टा करके हम दोनों तरफ मार्जिंग जितना छोड़े थे इसको हम सिलाई कर लेंगे। तो हमने नेट को नहीं सिलना है, नेट को नहीं सिलना है, जो हमारा है उसको हम बस जितना अस्तर लगा उतना ही हम सिले हैं। तो हमने सीधा किया और इस तरीके से दो दो इंच की, डेढ़ डेढ़ इंच की एक एक डोरी को कट कर लिया है। इसको रखेंगे इस तरीके से लगाते हुए चले जाएंगे। चार लगा सकते हैं, पाँच लगा सकते हैं, मैंने चार लगाया है। मैंने सोचा कि चार पांच लगा देते हैं तो मैंने पांच लगा लिया था। देखिए तो इस तरीके से यहाँ पे बटन लगा सकते हैं, पांच बटन लगाएंगे और हमने अपनी कलियों को इस तरीके से रखेंगे और बस हमने अटैच कर लेंगे, यहाँ पे रखेंगे, सिलाई कर देंगे। और देखिए हमारा एकदम ईजी तरीके से हमारा गाउन रेडी हो गया। अगर आप सबको मेरा ये ड्रेस अच्छा लगा होगा तो प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और उमा फैशन क्रिएशन को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लिएगा। सो गाइज, हम आप सबको एक बात बताना भूल गए, जो हमने स्लिप को अटैच किया था उसमें जो हमने हिस्से को छोड़ा था उसमें हम देखिए हमने पैपिन लगा लिया था और चार बटन को भी लगा लिया था। देखिए तो इस तरीके से मैंने पैपिन लगा ली थी पूरे स्लिप में।